ना वी स्टार्ट टॉपिक और उसका नाम है मोनोफॉस्फेट पाथवे नो ये भी एक बड़ा डिफरेंट सा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए हमारी लाइफ के लिए हमारी सर्वाइवल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन देखें हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे सो लेट एस राइट ऑफ यू थिंक जनरल चीजें हैं जो हम पहले इसके बारे में इस हर साइकिल से पहले हमें पता होनी चाहिए पाथवे जिसे हम एच एम पी शंट भी कहते हैं पाथवे या शंट का नाम भी देते हैं एच एम पी शंट या एच एम पी पाथवे ठीक है जी Now, दो चार बातें बेटा बड़ी कॉमन जर से सुन लें लिख लें साथ साथ नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड

साइटो सोल ऑफ द सेल दो बातें तीसरी बात इट गिव्स राइज़ टू थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स थ्री प्रोडक्ट्स कह लें या थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कह लें एक ही बात है इट गिव्स राइज टू थ्री प्रोडक्ट्स और थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर वन नंबर वन द फर्स्ट प्रोडक्ट Two molecules of NADPH, NADPH, और NADPH के बारे में एनर्जी में था, में होता बेटा कोई रोल नहीं है उसका उसका बॉडी के डिफेंस में मेटाबोलिज्म में ग्लूटाथान पाथवे में केलिंग बाय न्यूट्रोफिल्स में साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी सिस्टम में उधर रोल है यानी कि ये हमारे बॉडी का एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट टाइप ऑफ सिस्टम है

फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जोडक्ट है आर इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिस तो उधर से इसकी प्रोडक्ट्स ग्लाइकोलिस में भी एंटर हो सकती हैं या ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से साइकिल भी स्टार्ट हो सकता है थोड़ा बहुत सारा नहीं हाफ रैक्स फाइव टू सिक्स रिएक्शन हो सकते हैं दो रिएक्शन नहीं होते वो मैं भी आपको समझाता हूं कैसे अगली बात ही लिखिएगा इट इज डिपेंडेंट इन एड्रीनल कॉर्टेक्स बिकॉज ऑफ एन ए डी डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ स्टीरोड्स अब अगला पॉइंट लिखिएगा इट हैज फाइव रिएक्शंस इन टोटल फाइव रिएक्शंस इन टोटल ठीक है द फर्स्ट टू रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल एंड आर नोन एज ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस क्या कहलाते हैं The first two reactions are irreversible and are known as oxidative reactions. The next five reactions are reversible and are known as non-oxidative reactions. ठीक है यहां तक बातें अगर आपने लिख ली तो अब मैं इसको शुरू करता हूं अब मैं इसको शुरू करता हूं पहले मैं इसको आपको एक जगह से दिखा दू एक जगह से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए ये देखें इफ यू जस्ट सी दिस फिगर अगेन किधर गया हाँ जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड स्क्रीन शेयर ऑफ हो गई ये देखें ये वाला ये वाला फिगर अगर आप देखें तो हमें यहां पे नजर आ रहा है आई जस्ट जूम इन ये वही लेपन कॉर्ड का फिगर है जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था ये देखें ये क्या है ग्लूकोसिक्स फॉसफेट ये जो ग्लाइकोलिस का पहला रिएक्शन था से क्या बना अब ये देखो ये घुस गया एक साइकिल में जिसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स आ रही हैं और इसके अंदर इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकॉलिस भी बन रहे हैं फ्रक्टोज भी इससे इंटरकनेक्टेड है 3 भी इससे इंटरकनेक्टेड है और अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक खच सी लग रही है कि इट इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी मच कंजेस्टेड सॉर्ट ऑफ अ अल्ट चीज है जो कि आपको समझ नहीं आ रही बट इट इज वेरी इजी डो नॉट वरी अब हम इसको क्योंकि हमने मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाना है मैंने तो हमें समझ आएगा कि ये बहुत आसान हो गया है सो द फर्स्ट थिंग ये स्टार्ट कहां से हो रहा था अभी आप लोगों को मैंने दिखाया है कहां से स्टार्ट हो रहा था ग्लूकोज बोलिएट से ग्लूकोजेट से ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट कन्वर्ट होता है हम इस लाइन को लंबा कर लेते हैं इसी में लिखेंगे सारा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होता है जनाब सिक्सो ग्लूकोनेट में किसमें ग्लूकोनेट और सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट ग्लूकोनेट सही है ना इस हाँ यह कन्वर्ट होता है राइब्यूलोज फाइव फॉसफेट में किसमें राइब्यूलोज फाइव फॉस्फेट आई एम राइटिंग फॉस्फेट विद्पल पी इसके बाद अगली जो चीज बनती है वो होती है उसके बाद बनता है ग्लाइसर हाइट थ्री फॉस्फेट आई एम जस्ट राइटिंग द स्मॉल फॉर्म ग्लाइसर हाइट आपको पता है क्या होता है फिर बनता है फ्रक्टो सिक्स फॉस्फेट फ्रक्टोज सिक्स

राइबोज फाइव फॉस्फेट और ये जो जहां पे हमने लिखा है ग्लूकोज ग्लेसरेट थ्री फॉस्फेट इसके लेवल पे एक और प्रोडक्ट बनती है उसे कहते हैं सीडो हैपटुलोज सेवन फॉस्फेट सीडो हैपटुलोज सेवन फॉस्फेट फैक्ट्रोज सिक्स फॉस्फेट के बिल्कुल ऊपर जहां पे बनता है एरिथ्रोस फोर फॉस्फेट एरिथ्रोज फॉस्फेट और आखिर में बनता है फाइव वो जो शुरू में भी बना था इसको थोड़ा सा लेते हैं यहां पे आखिर में क्या चीज बन रही है फाइव अब इसके अंदर हम एरोस डालते हैं देखो मैंने पहला क्या बात की थी आप लोगों को तो फर्स्ट टू रिएक्शंस आर इिवर्सिबल

जिसके अंदर ये सबस्ट्रेट्स इनमें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं तो जो ऊपर ये एक रिएक्शन हो गया अगले रिएक्शन में भी इसी तरह है। ये थोड़ा सा छोटा बन गया डिसफिगर हो जाएगा अगेन लाइक दिस और इसमें भी आप एरोस दे दें तो ये रिवर्सिबल हो गया बेटे और आखिरी जो रिएक्शन है वो भी इसी तरह है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ एरोस डिफरेंट है वो यूं है कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है और ये इसमें कन्वर्ट होता है नो द फर्स्ट एक्शन है ये देखें ये जो दो पहले हमने लिखे हैं ये रिवर्सिबल है फर्स्ट रिवर्सिबल uh, है फर्स्ट एंड सेकंड अब यहां पे यहां पे होता क्या है यहां पे होता ये है जनाब कि देखो पहले तो मैंने अब प्रोडक्ट्स को हम ब्लू में ले आते हैं इस पहले रिएक्शन में एनएडीपी यूज होता है और एनएडीपीएच में कन्वर्ट होता है एनएडीपी प्लस यूज हुआ और इसमें कन्वर्ट हुआ बोलिए एनएडीपीएच प्लस हम्म, प्लस एच प्लस में और इसी तरह इस रिएक्शन में भी एक एन ए डी पी प्लस यूज होता है और वो कन्वर्ट होता है एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस में एंड अगेन वी कैन एड इधर ऐड कि ये यहाँ से यूं आता है ये भी यहाँ से यूं आता है और जो प्रोडक्ट बन रही है वो कौन सी है विच इज अ वेरी मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ हम कनेक्ट कर दें एक लाइन से थोड़ा सा खूबसूरती आ जाएगी और ये यहाँ से हो गया दीज आर द मेन अब देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि तीन किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं पहला प्रोडक्ट जो हमने मैंने आपको बोला था वो क्या था एनएडीपीएच ठीक है फर्स्ट प्रोडक्ट तो ये हो गया और ये मैंने आपसे कहा था कि हमारी बायोसिंथेसिस के लिए जरूरी है मेटाबलिज्म के लिए जरूरी है डिफेंस के लिए जरूरी है दूसरा प्रोडक्ट मैंने कहा था जो आर एन एसिस में जाएगा वो ये था और तीसरा जो प्रोडक्ट मैंने बताए थे कि जो इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिस हैं और वो ग्लाइकोलिस में एंटर हो सकते हैं लीव कर सकते हैं वो ये थे ठीक है तो फर्स्ट किस्म का प्रोडक्ट है ना डीपीएच आ गया दूसरा राइबोस 5 फास्फेट आ गया तीसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड फ्रक्टोसेक्स फास्फेट डू यू रिमेंबर कि मैंने यही बोला था अब जो पहला रिएक्शन है उसका एंजाइम क्या होना चाहिए ग्लूकोस 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज होना चाहिए एंजाइम का नाम यहां पे जो एंजाइम लग रहा है बोलिए ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजीनिस शुड इट बी लाइक दैट और इसका क्या नाम होना चाहिए बोले बताओ यार सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजीनस ऑब्वियसली यही होना चाहिए ये दो पहले रिएक्शंस हैं जो कि ऑक्सीडेटिव नहीं है ऑक्सीडेटिव uh, हैं और इरिवर्सिबल हैं नंबर थ्री पे नंबर थ्री वाला जो एंजाइम है वो यहां पे है इसका कलर अब हम पिंक कर देते हैं इसको चेंज कर दें सो so दैट आपको आसानी हो रिएक्शन के साथ नंबर वाला जो रिएक्शन है उसका जो एंजाइम है पेंटोज है देखो ये पांच कार्बन वाली शुगर्स हैं जिसे पेंटोज शुगर्स कहते हैं और वो फॉस्फेटेड हैं और एक दूसरे के आइसोमर्स हैं राइबोस एंड राइबुलोज तो इसे हम क्या कहेंगे फॉस्फो फॉस्फो पेंटोस आइसोमरेस इसको थोड़ा सा ठीक है अब ये यहां पे क्या एंजाइम होना चाहिए नंबर फोर से एक्शन पे नीचे ये जाइलुलोज और राइबुलोज जो है ना एक दूसरे के एपीमर्स हैं ये क्या है एपीमर्स तो यहां पे क्या एंजाइम होना चाहिए फॉस्फो पेंटोस एपी एपी मरेस नाउ यहां पे जो सेवंथ और फिफ्थ है ये फिफ्थ रिएक्शन है ये सेवंथ है درمیان वाला सिक्स्थ है ऑब्वियसली। फिफ्थ और सेवंथ पे आता है ट्रांस कीटोलेस यहां पे जो एंजाइम है यहां लिख देता हूं इट इज ट्रांस कीटोलेस यहां वाला ट्रांस एल्डोलेस है आखिर में अगेन यहाँ पे फिर कौन सा आ जाएगा ट्रांस किटोलेज क्योंकि वो किटोन शुगर्स को रिएक्शन so, ठीक है जो रेड में रिएक्शन है जो फर्स्ट टू है वो इन रिवर्सिबल है और ऑक्सीडेटिव है जो तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है और नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है ठीक हो गया आर यू ओके विद इट यहां तक बात समझ आ गई है तो आगे चलो हाँ जी ओके ना okay, अब हम ये ये तो हो गई सिंपल बातें ये तो साइकिल याद हो गया यूजेस अब इसके इसके अंदर अंदर जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है एनएडीपीएच अब नूजेज ऑफ एनएडीपीएच अब हम पॉइंट्स करके लिखते जाएंगे और हम उसको आगे पढ़ते जाएंगे एनएडीपीएच के यूजेस द फर्स्ट यूज ये कौन सा है दिस की हम बात कर रहे हैं जहां पे लिखने की बनाने की जरूरत होगी मैं लिख दूंगा बना दूंगा और जहां पे जरूरत नहीं होगी वहां पे जरूरत नहीं बनाऊंगा देखें फर्स्ट यूज इट इज यूज इन इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द सिंथेसिस ऑफ देंटीर एंड फैटी एसिड्स पहला फंक्शन एनएडीपीएच का क्या है

इसको मैं एक स्पेसिफिक ब्लैक लेते हैं यहां पर है की दो फॉर्म्स हैं एक है ऑक्सीडाइज एक है रिड्यूस्ड फॉर्म फॉर्म जो ऑक्सीडाइज है उसको हम लिखते हैं जीएस जी एस जी तो ये एक्चुअली दो मॉलिक्यूल होते हैं दो होते हैं जी के और ये कौन सी फॉर्म है ग्लूटा की ऑक्सीडाइज ठीक है और ये कन्वर्ट हो सकती है इंटू टू जी एस एच जीएसएच का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर हाइड्रोजन एड हो गया और ये कौन सी फॉर्म होगी बोलिए रिड्यूस्ड फॉर्म कैन बी ऑक्सीडाइज एंड कैन बी रिड्यूस्ड ठीक है अब यहाँ पे दो एंजाइम्स होते हैं अब यहां तो मैं यहां से शुरू करता हूँ यहाँ पे जो सबस्टेट यूज होता है एन होता है और साथ यूज होता है एच प्लस और ये कन्वर्ट हो सकता है ऑब्वियसली किस में बोलिए एन ए डी पी प्लस में एन ए डी पी प्लस में और ये जो रिड्यूस हुआ अभी आपको समझ आ जाएगा ये हुआ क्या है एच टू ओ टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम टू मोलिक्यूल ऑफ वॉटर में टू एच ये जस्ट रिमेम्बर ये वॉटर वो मैं ओ नीचे नहीं लिख रहा बहुत देर लग जाती है तो दो हाइड्रोजन प्रोक्साइड कन्वर्ट हो सकता है वॉटर में और ये रिएक्शन क्या है ये रिएक्शन ऐसे है कि ये देखें ये ग्लूटाथाइन जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है यानी डीपीएच की बेस पे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें रिड्यूस फॉर्म में यू एरो आएगा ठीक है डीपीएच ने डी ग्लूटा एच को क्या कर दिया है बताए बोलिए ऑक्सीडाइज फॉर्म को क्या रिड्यूज कर, कर दिया है और जो रिड्यूस फॉर्म है ये फिर ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और ये कैसे होगी बाय कन्वर्टिंग अ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू अ न्यूट्रल सब्सटेंस

बोले ऑक्सीडेस ऑक्सीडाइज हो गया सो so, या इसे पर ऑक्सीडेस कह लें पर ऑक्साइड है सो दिस इज द रिएक्शन जो यहाँ पे ग्लूटाथायोन सिस्टम के थ्रू होता है तो अभी तक हमें क्या पता चला कि हमें दो यूजेस पता चल गए हैं डीपीएच की बेटा पहली कौन सी बोलिए 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 कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटर है इलेक्ट्रॉन डोनर है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये

टॉक्सिक uh, सब्सटेंसेस को मेटाबोलाइज करने के लिए यूज होता है डिटॉक्सिफायर सिस्टम है ये भी एक बॉडी का तो एन सिस्टम को भी हम एक अलग कलर में लिख लेते हैं और उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को इन वो भी समझ आ जाएगा देखो एक सब्सटेंस है जिसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है और उसको हम फंक्शनल ग्रुप को आर लिख लेते हैं और साथ उसके अटैच है एच जो ग्लूटा डीपीएच है कन्वर्ट कर देता है आर ओ एच में ओ एच फॉर्म में हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म में जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एक्चुअली हो कहाँ पे रहा है

और इस तरफ यूज होता है एन जो कि वापस एन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है सो दिस इज अगेन सिस्टम जो के हमारी बॉडी में ये देखिए मैं अभी आपको बता देता हूं यहाँ पे मॉलिकुलर ऑक्सीजन है ओ जो के कन्वर्ट हो रही है किसमें एच टू ओ में सॉरी वॉटर में, में, में और यहां पे बेटे एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस है जो कि ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीपी प्लस में और ये ये सारा सब काम हो कहाँ पे रहा है साइटोक्रोम साइटोक्रोम्स पे हो रहा है ये साइटोक्रोम पी फोर सिस्टम के ऊपर हो रहा है लें जी अब इसमें होगा क्या कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दोस मटेरियल्स जो कि हमारे टॉक्सिक हैं ये लिवर में हो रहा है तो इसलिए देखो जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना ये रेडिली सॉल्युबल होती है और ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो सकती है सो so, ये लिवर में रिएक्शन हो रहा है सो so दैट जो ROH जो हमने फॉर्म लिखी है ये ताकि एलिमिनेट हो सके तीन स्टेप्स हो गए तीन यूजेस हो गए याद रहेंगे आपको या नहीं यस सर चलें आगे चलें आगे, चले, आगे चलते हैं जी Sir, आपने एक बात बताई थी कि मतलब पहली वाली बात जो बताई थी कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी हमारे पास नहीं। तो नहीं। जो वो एन ए डी एच है, वो है। एने दिएच एने दिएच एनर्जी के लिए नहीं बेटा यूज होता ठीक है ना ओके इसके बाद इसका चौथा सबसे बड़ा रोल जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेस्पायरेटरी बर्स्ट देखो ये बात एक कंसेप्ट है एक डिस्कशन है जो मैंने आपको पैथोलॉजी के सेल इंजरी में भी बताई थी फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड इंजरी के कंटेक्स में लेकिन अगेन इट इज नॉट अ बिग थिंग क्योंकि कुछ लोग उस वक्त नहीं थे नया ग्रुप लोग ऐड हो जाते हैं सो so, ये और ये चीज याद भी नहीं रहती सो इट इज नॉट अ बिग डील टू रिपीट इट इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा होता पता है क्या है। देखो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी जाती है वेजोडाशन के थ्रू आप सबको पता है और उसे हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट और रेस्पिरेटरी बर्स्ट में क्या चीज सप्लाई हो गई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई हुई रेस्पिरेटरी बर्स्ट में और रेस्पिरेटरी बर्स्ट से क्या चीज प्रोड्यूस होती है जी O2 है ना इससे बनता है इसको मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ओ सॉरी वो नीचे आएगा हमारे पास टू नीचे आएगा टू और ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है सुपर ऑक्साइड फॉर्म और इसके ऊपर आता है है डॉट 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 पे यहां पे क्या आ जाता है जी मतलब वो मॉलिकुलर से हटके ही सुपर ऑक्साइड फॉर्म है ओ टू डॉट ठीक है अब ये कन्वर्जन ऑक्सीजन की इसमें किसके थ्रू होती है ये बेसिकली एन ही है जो इसको कन्वर्ट करता है इसमें एन में और इसमें एंजाइम कौन सा लगता था बताइए क्रोनिक ग्रेनुलमेटिस डिजीज में जिसकी डेफिशिएंसी होती थी ये मैंने आपको पैथो में करवाया हुआ है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज यहां पे कौन सा एंजाइम है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज और ये मेम्ब्रेन कंपोनेंट भी होता था साइटोसोलिक कंपोनेंट भी होता था और ये सारा कुछ असल में हो पता है कहां रहा है ये देखो मैं इसको एक लार्जर स्केल पे एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये फेगोसाइटोसिस हो रही है फेगोसाइटोसिस किसकी हो रही है मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस कर रहा है बैक्टीरिया की ये देखो ये फेगोसेटिक वैक्यूल बन रहा है और ये जो एन ऑक्सीडेज है ना सॉरी ये ऐसे एक फिगर बन जाएगा ये जो एनएडीपी ऑक्सीडेज है ये बेसिकली यहां पे पड़ा हुआ है

अब ये जो सुपरऑक्साइड बनी है सुपरऑक्साइड अगला एंजाइम कौन सा काम करता था सुपरऑक्साइडम्यूटेज डू यू रिमेंबर इट यहां पे जो एंजाइम है वो है सुपर oh क्या हो गया सुपरऑक्साइडम्यूटेज और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज इसको कन्वर्ट कर देगा एच टू ओ टू में और यहां पर यह चूंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई वु लाइक टू वेस्ट फिफ्टीन सेकेंड हेयर मैं इसको लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम जया कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए ये एच टू ओ टू हाइड्रोजन पारोक्साइड है अब हाइड्रोजन पारोक्साइड के साथ बॉडी क्या कर सकती थी मुझे बताइए हाँ या तो इसके दो फेड्स थे या तो पहले पहले इधर वाला इधर लिखते हैं या तो कैटलेज एंजाइम के थ्रू इसको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेगी किसके थ्रू बोलिए टलेज एंजाइम के थ्रू फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेगी और फ्री रेडिकल्स कौन से हो सकते हैं एच टू ओ टू के ओ एच नेगेटिव हो सकता है ओ नेगेटिव हो सकता है नेसेंट ऑक्सीजन हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी जो कि फ्री रेडिकल्स है और इन्होंने क्या करना है बेसिकली मैं यहां पे बना लेता हूं जी ये बैक्टीरिया पड़ा है ये क्या पड़ा हुआ है ये क्या है जी दिस इज अ बैक्टीरिया माइक्रोब एनी माइक्रोब और ये एच टू ओ एच नेगेटिव और इसके ऊपर आके क्या करेगी इसको क्या कर देगी ये दोनों इसको बोल ये। कर, दे। कर देंगे वेरी गुड तो के रोल देखें कितने जबरदस्त हैं और यही वाला एंजाइम जो ऊपर वाला डेफिशिएंट हो जाता था डिजीज कहलाती थी दूसरा फेड इसका क्या हो सकता है दूसरा फेड को हम अलग कलर दे देते हैं फेट को अलग कलर दे देते हैं वो क्या होगा कि माइलोपरऑक्सीडेज एंजाइम आएगा क्या आएगा और इसके अंदर क्लोराइड एड होगी इसमें क्या ऐड होना है थोड़ा थोड़ा रिपीट कर दिया करो यार मैं बोल थक जाता हूँ बोलते बोलते क्लोराइड ऐड हो जाएगी नेगेटिव और यहाँ पे जो बच्चों एंजाइम आएगा वो होगा मायलो पर ऑक्सीडेज मायलो पर ऑक्सीडेज आएगा और इसमें क्या कन्वर्जन होगी किस चीज में बनेगा बताइए हाइपोक्लोरा एच ओसीएल में कन्वर्ट होगा एल छोटा लिखते हैं और ये इसके ऊपर भी डॉट आता है एक्चुअली आई ना इसके ऊपर भी एक डॉट आता है और ये भी क्या करेगा अगेन शाबाश इट कैन इवन किल बैक्टीरिया मोर एफिशियंटली किलिंग इसके अंदर आप लिख लें इट विल आल्सो किल द बैक्टीरिया मोर एफिशिएंटली और यहां पे जो बीमारी होती थी इस जगह पे माइलोपरॉक्सीडेस की से, उसे हम कहते थे माइलोपरॉक्सीडेज डिजीज माइलोप्रोक्सीडेस डेफिशिएंसी बेसिकली कहते होते थे ठीक हो गया सो so, ये हो गया इसका चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन नाउ यहां तक बच्चों समझ आ गई बातें आर यू क्लियर ऑन इट ओके अब अगली जो चीज है वो ये है कि यहां पे एक डिजीज है जिसका हमें कंटेक्सट पता होना चाहिए और उस डिजीज का नाम है बताएं कौन बताएगा जी सिक्स क्या नाम है जी सिक्स डेफिशियंसी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनियस एनीमिया सो अगर हम एच एम पी क्लिनिकल यहाँ पे करें तो मैं ये कहता हूं मैं ये कहता हूं एक सेकेंड लिखना पड़ेगा थोड़ा सा अगर अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए इस इसमोन की इस एंजाइम की ग्लूकोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या बन जाएगा इसमें होता क्या है जी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ये जो जी सिक्स पीडी आप पढ़ते हैं ना असल में यह है क्या ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज वही एंजाइम डेफिशिएंसी इसमें होता क्या बताइए जब जब देखो जब नहीं बनेगा जब G6, G6 नहीं बनेगा तो क्या होगा एच एम पी भी नहीं बनेगा ओ सॉरी एनएडीपीएच भी नहीं बनेगा एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो क्या होगा यह काम भी नहीं होगा ये काम भी कम होगा यह काम भी कम होगा है ना तो आइडियली तो बॉडी के बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए मुझे बताए इट्स अ सिंपल क्वेश्चन हो जाने चाहिए लेकिन कौन ज्यादा डैमेज होता है एनीमिया है कौन ज्यादा डैमेज होता है बताएं। बताए है ना हेमोलिटिक एनीमिया और है वो क्यों ज्यादा डैमेज हुए बाकी क्यों नहीं हुए ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन देखो अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना बहुत गौर से हमें अभी तक अगर हम आज के लेक्चर की बात करें या अभी इस लेक्चर की बात करें तो हमें अभी तक यह पता है कि शायद एनए डी पी एच एचम्पी शंट से ही बनता है ठीक है गलत भी नहीं है बात मेजोरिटी ऑफ द एन ए डी पी इन द एन चैम्पी शंट इट्स नॉट अ बैड रॉन्ग थिंग लेकिन लिखिएगा पॉइंट लिखिएगा लिखिएगा i will be very slow and steady i will just dictate it to you there is an alternative source of nadph production in the body and that production is through malate M -A -L -A -T -E. M-A-L-A-T-E. malate so it gives that there is an other production source of nadph in the body and that is from malate malic acid malate say MLATE, and that is from malate and the enzyme which generates nadph from malate is known as NADP डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है नाम दोबारा बता दें मैलेट सॉरी एन डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी एन ए डिपेंडेंट मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स हैव दिसम एंड मेलेट लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर क्या चीज नहीं होती न्यूक्लियस वेरी गुड बट द रेड आरबीसी और द रिथ्रोसाइट है न्यूक्लियस एंड ऑल्सो डज नॉट हैव अ राइबोसोम राइबोसोम भी नहीं है उसमें

आरबीसीस कोई नई बात पता चली जी सर नाउ आई विल लाइक टू ऐड दिस थिंग हियर इन राइटिंग कि वो रिएक्शन कौन सा है वो रिएक्शन आपको ताकि पता हो ताकि आप लोगों को याद रहे वो मैं अब आप आपको लिख देता हूं कि जो दूसरा वे टू जेनरेट एनएडीपीएच है वो कैसे है हमारी बॉडी क्या यूज करती है मैलेट और उसको कन्वर्ट करती है पाइरुवेट में किसमें पाइरुवेट में इसको अब हम एरो मार देते हैं दरमियान तो में मैलेट किस में, में बेटे कन्वर्ट हो गया पैरोट में टेल मी द द नेम ऑफ टेलमी एनएडीपी डिपेंडेंट मैलेट डी तो यहाँ पे क्या चीज यूज हो रही होगी एक तो देखो एक तो इस रिएक्शन में ना कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है तो यहां पे आप सीओ टू एड करते हैं और यहाँ पे जो चीज यूज हो रही है ना जनाब वो है एन ए डी पी प्लस और एन प्लस कन्वर्ट हो रहा है सरकार प्लस प्लस एच में तो बन गया हमारे पास एन और बेटे बताओ एन ए डी पी डिपेंडेंट मेलेट डीहाइड्रोजिनेट एज वेल एस डी कार्पोक्सीज भी होता है डी भी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है लेकिन आपको जरूरत नहीं है यहाँ देखने की रिहाइड्रोजीनिसक राइबोसोम एज वेल एज न्यूक्लियस दे कैन नॉट जनरेट एन ए डी पी एच एंड एज दे नॉट जनरेट एन ए डी पी एच दे आर मोर वेबल टू द डैमेज इंड्यूस्ड बाय द डेफिशियंसी ऑफ जी सिक्स पीडी एनजाइन गुड हो गया समझ आ गया जी सही होगी बात चलू आगे नाव इसका तो मतलब है जो लोग जी सिक्स पी डी डेफिशियंसी के साथ पैदा हुए वो तो मर जाने चाहिए हिडियली आइडियली तो नहीं मतलब है.

क्या वो हर वक्त हर वक्त जंग लड़ रही है no. नो इंटरनली हो सकता है मामला बॉर्डर पे या इंट्रूडर से हर वक्त जंग नहीं चल रही होती इसी तरह हमारी बॉडी भी एक कंट्री है और हमारा डिफेंस सिस्टम है अब हमारे डिफेंस सिस्टम में न्यूट्रोफिल्स भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं इम्यूनिटी है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है टी सेल्स हैं बी सेल्स हैं बहुत सारा कुछ है तो एक तो बॉडी का डिफेंस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड नहीं होता ठीक है पहली बात तो ये और दूसरी बात यह है कि डिफेंस का स्ट्रॉन्ग होना किस वक्त जरूरी है जैसे अल्लाह रहम करे आपके मुल्क पे कोई हमला करे अल्लाह ना करे एक मतलब एग्जाम्पल की बात है तो वो कब करना चाहेगा वो तब करना चाहेगा जब हम वल्नरेबल हो जब हमारे इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे हो ठीक है ना जैसे अभी कोरोना में इंडिया फंसा हुआ था और चाइना ने लद्दाख ले लिया क्योंकि उनको पता था कि इनसे कोरोना ही नहीं काबू आ रहा उन्होंने कश्मीर पे कब्जा कर लिया उस काफी सारे एरिया पे क्योंकि वो वलनरेबल कंट्रीज थी उस वक्त अब हमारी बॉडी भी वलनरेबल कब होगी इन्फेक्शन को डैमेज को जब हमारे मुख्तलिफ बैरक्स पे लड़ाई चल रही होगी मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे लड़ाई चल रही होगी और वो सिचुएशन कौन सी होती हैं इंफेक्शन ड्रग्स ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर एनएडीपी सारा के सारा कंज्यूम हो रहा हो तो आर रेड ब्लड सेल्स के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी यानी कि जब सारी फौजें एक बॉर्डर पे लड़ रही होंगी तो दूसरे बॉर्डर पे कोई हमला करेगा तो चांसेस है वहां से हम लूज कर जाएंगे ऐसे ही है ना सो दिस इज वॉट हैपन्स वो और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एन जी सिक्स पीडी एनीमिया को प्रोनाउंस कर देते हैं को स्टिमुलेट कर देते हैं वो चार पांच बातें जो आपको याद होनी चाहिए पहला इंफेक्शन क्योंकि देखो मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आप लोगों से वो कहेंगे जी फैवा बीन्स एंटीबायोटिक्स एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक्स यार क्या हम एंटीबायोटिक्स एंटी मलेरियल एंटी ये हर रोज खा रहे होते हैं फैवा बीन्स मैंने तो देखी नहीं कभी जिंदगी हमारे एरिया की

ठीक हो गया पहली बात दूसरे पे लिख लें थ्री टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं और वो कौन सी ड्रग्स हैं ऑक्सीडेंट ड्रग्स ऑक्सीडेंट ड्रग्स और उसका एक फॉर्मूलाट में लिखा हुआ था हमने बचपन में याद किया था ट्रिपल ए ए फॉर एंटीबायोटिक्स ए फॉर एंटी ए फॉर एंटी मलेरियल ठीक है ए फॉर एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स भी जो नोटोरियस है वो सल्फोना हैं होने को औरों से भी हो सकता है नोटोरियस सल्फोना हैं

सबसे कॉमनली और पैरासिटामोल पैराडोल फेमस मोस्ट फेमस एंटीपायरेटिक मेरे दिमाग में अगर आएगा तो ही आएगा या ब्रूफेन आएगा प्रूफेन आएगा लेकिन याद रखिएगा एस्प्रिन या एसिटामिनोफेन से नहीं होता नहीं होता याद रखिएगा बात जो ए टिपिकल किस्म के एंटीपायरेटिक्स है ना जैसे वगैरह वगैरह उनसे एक से होता है बाकी जो याद रखने वाली बात है कि पैरासिटामोल जिसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन है एंड इवन एस्पिरिन डिस्प्रिन जिसमें जिसमें डिस्प्रिन में जो ड्रग है उनके साथ इसका इंसिडेंस नहीं है और तो एस्पिरिन के अलावा कौन सी होती है यहां एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन के साथ नहीं होता एसिटामिनोफेन इज द अदर नेम फॉर पैरासिटामोल जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है एंड एंटीपायरेटिक्स है एंड नाउ द लास्ट थिंग चीज है कि पेशेंट को जब हेमोलिसिस होगी तो जॉन्डिस भी होगा और ये जब बच्चे पैदा होते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस की एक बड़ी कॉज है जी सिक्स पी डी क्योंकि इसका जॉन्डिस बड़ा प्रोनाउंस होता है बचपन में ही ठीक हो गया जी एंड आई गेस इट इज सफिशियंट और इसके आप स्क्रीनशॉट्स बेटा ले स्टॉप इट हियर